सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें कि आपको बताया था कि डू यू नो अबाउट द UFM ऑफ द AK रूल। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आई डोंट नो, मेक वीडियो ऑन दिस सेपरेट टॉपिक। तो मैंने इसी टॉपिक को आज पिकअप किया और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि UFM होता क्या है। UFM का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताते हैं। UFM जो होता है ऑन अफेयर में होता है, ठीक है। तो AK का एक यूनिवर्सिटी है, उसको पता होगा कि एक उसका एक रूल होता है जिस रूल में आपको यही बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम जब आप जाते हो यूनिवर्सिटी का देने या मिड सेमेस्टर का इवन आप एग्ज़ाम देते हो तो भी ये रूल आपको अप्लाई किया जाता है वहाँ पे। तो इस रूल के बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि UFM से कैसे बच सकते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हम लोग सेपरेट बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उसके पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट आपको अपडेट AK के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि AKV यानी कि अर्बर्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे जो है ऑन अफेयर टू मी के रूल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लाइड करता हूँ, आप यहाँ से पूरा देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे वन बाई वन करके पढ़ने लगूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया अच्छा से, ठीक है, समझ भी लिया है। तो मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप रूल पढ़ पा रहे हो कि यहाँ पे जो सबसे पहला रूल बताया जा रहा है कि यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चाहे आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम देते वक्त यदि आप चीट करते पकड़ेगा, ठीक है। तो चीट दो तरीके से करते पकड़े जा सकते हो। पहला ये ऐसा हो सकता है कि आप जिस पेपर दे रहे हो, जो सभी पेपर आप दे रहे हो उस पेपर से रिगार्डिंग आपके पास कोई चीट पकड़ा जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपको एग्ज़ाम जो होगा, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो होगा उस पेपर का आपको एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सकता है पर्टिकुलर आपके लिए, ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि यदि आप पेपर दे रहे हो और वो पेपर जो है आपके उसके रिगार्डिंग ना चिट पकड़ा करके आपके दूसरे किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके पास चिट पकड़ा, तो उस केस में भी आपके एग्ज़ाम जो है आपका पेपर उसको कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा रूल ये कहता है कि यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और एग्ज़ाम देते समय आप किसी की मदद कर रहे हो या कॉपी किसी को चेंज कर रहे हो या किसी को ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, इस तरीके से कुछ केसेस होते हैं, तो उस केसेस में आपको उस पर्टिकुलर केसेस में भी आपको जो है एग्ज़ाम से निष्कासित कर दिया जाएगा, उस पेपर का आपका एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि उस केसेस में आप पकड़े जाते हो तो उस केसेस में आपका जो आगे वाला पेपर होगा, यानी कि जैसे आज पेपर दे रहे हो तो आगे वाला तो आपका कैंसिल किया ही जाएगा, साथ ही साथ जो आगे आप देने वाले हो उसको भी आपको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये तीन रूल था, ठीक है। और भी रूल है, तो देखिए आप यहाँ पे चौथा जो रूल नंबर है आपको, तो क्या जो चौथा रूल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि चौथा रूल ये कहता है कि यदि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और जिस बंदे का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे सपोज करिए कि मैं किसी दूसरे बंदे का एग्ज़ाम दे रहा हूँ वहाँ पर बैठ के, तो उस केसेस में यदि मैं पकड़ा जाता हूँ तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको प्रोसीजर यानी कि लॉ के अनुसार आपको ट्रीट किया जाएगा, यानी आपको जेल भी भेजा जा सकता है और आपका जो पेपर होगा वो तो कैंसिल किया जाएगा, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी से आपको बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो रूल आप यहाँ पे बताया जा रहे हैं। पहला रूल ये बताया जा रहा है यदि आप जो है किसी दूसरे को वहाँ पे बैठाए होते पर में, तो दो ऐसे कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ही आपको पकड़ता है कि आप दूसरे की जगह पर दूसरा का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो इस केसेस में आपको जो है मतलब सेम प्रोसीजर आप में आ जाएंगे, पुलिस आपको आगे पकड़ के ले जाएगी और साथ ही साथ आपको जो है एग्ज़ाम से रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि एग्जामिनर का कोई भी जो होता है मेम्बर वो आपको पकड़ता है, तो उस केसेस में आपको सेम प्रोसीजर अपने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं पाँचवें रूल के ऊपर। पाँचवें रूल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, तो भाई जो पाँचवा रूल कहता है वो रूल ये कहता है कि यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा डिस्टर्ब करता है या आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब करते हो, उस केसेस में आपको ये बताया जा रहा है कि उस केसेस में भी आपका एग्ज़ाम जो है जिस पेपर का पर्टिकुलर आप एग्ज़ाम आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये पांच रूल थे जो UFM से रिगार्डिंग थे, जो कि AKV का ऑफिशियल साइट पे मुझे लगता, मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी जब ये नॉलेज आपको गेन करा तो मैंने भी सोचा कि शायद आप लोग सामने शेयर करें, क्योंकि ये रूल सब पे अप्लाई होता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो गाइस, जो मैंने पांच रूल था UFM से रिगार्डिंग वो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, आपको कैसे बचना है। तो सबसे पहला गाइस कि आप जो है एग्ज़ाम में सतर्क हो कि कुछ नहीं करना। एक्चुअली मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए आपकी AK यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ बेसिकली कुछ होता भी नहीं है, बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो कि UFM आपके ऊपर लगा सकते हैं। अगर UFM आपका लग जाता है तो समझिए कि आपका उस पर्टिकुलर पेपर का देने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, उस पर्टिकुलर में आपको
कैरी ही लगने वाला रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ UFM का एक ऐसा रूल है जिसको मैंने बताया था कि यदि कॉपी पास करने में आपको पकड़ जाते हो तो उस केसेस में आपका तो पूरा एग्जाम ही चला जाएगा, तो उसके बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि UFM लगने से किसी तरीके से आपको बचना है, चूँकि UFM लग जाएगा तो समझिए कि आपका तो वो मतलब उससे वो सेमेस्टर आपका ख़राब चला जाएगा, तो उससे आपको बचना होगा, ठीक है। और बचने का रूल सर लगता है कि तीन ही रूल हो सकते हैं। पहले रूल हो सकता है कि आप पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, जितना हो सके आप लिखना, ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग भी आपको मतलब कि वैसे आपको हैंडल करना है, ठीक है। और दूसरा मैं टिप्स ये देना चाहूँगा कि देखिए अगर UFM आपके ऊपर लगाया भी जाता है ना गाइस, तो हर किसी के पास दिल होता है, तो पहले आप रिक्वेस्ट करना कि सर ऐसा नहीं होगा, मतलब जो कुछ भी होगा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा टिप्स ये देना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा UFM लग जाएगा, तो प्लीज़ आप ऐसा कभी उतना मतलब उतना पढ़ लेना कि UFM के थ्रू में आप कभी पकड़े ही ना जाओ, ठीक है। तो ये थ्री टिप्स था जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, तो ये मैंने सिंपल आपको बता दी। और यहाँ पे जितना भी मैंने कुछ बताया है उसका आपको वीडियो में देखने को मिल ही गया होगा कि यहाँ पे मैंने सब कुछ रूल के साथ आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि UFM का में आपने जाना होगा और UFM इस तरीके से लगते हैं, आई होप कि ये रूल आपको अच्छा लगा होगा। और ये रूल AKU के तरफ से लागू होता है और मिड सेमेस्टर के एग्जाम पे और यूनिवर्सिटी के एग्जाम पे भी लागू होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। और चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जरूर। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।